Assalamualaikum students, welcome to introduction to ICT course. Introduction to ICT के course में previously हमने अपने video lectures में पढ़ा कि variables क्या होते हैं और कौन से naming conventions हमें follow करने हैं while naming our variable. उसके बाद हमने data types भी discuss किए कि Python में कौन कौन से data types available हैं. अब हम अपने इस video lecture में discuss करेंगे कि operator क्या है और ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर किस तरह से हमें मेंटेन करना है. अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर मोर देन वन ऑपरेटर्स मौजूद हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, यूजर डिफाइंड इनपुट अगर हमें लेनी है तो वो कैसे हमने लेनी है, और eval का फंक्शन पाइथन में किस काम आता है. अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या है. ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास कोई भी स्पेसिफाइड सिंबल है जो कि आपकी एक्सप्रेशन में कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. और जिन दो वैल्यूज पे आपने वो ऑपरेटर परफॉर्म करना है उन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड. ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑपरेटर इज बेसिकली द एक्शन विच वी हैव टू परफॉर्म बिटवीन द टू ऑपरेंड. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो ऑपरेंड मौजूद हैं, एस वन विच हैज अ वैल्यू 45 और दूसरा ऑपरेंड हमारे पास है एस टू विच हैज वैल्यू 56. हमने एक वेरिएबल लिया टोटल और उसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं एस वन प्लस एस टू. बेसिकली यहाँ पे एस वन और एस टू हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं और उसके ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज एडिशन ऑपरेशन. ठीक है, सो एस वन एंड एस टू आर टू ऑपरेंड एंड प्लस इज ऑपरेटर हियर. ठीक, सो हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स पे एक ऑपरेटर अप्लाई किया, फिर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया एक वेरिएबल पे और एक कॉन्स्टेंट नंबर पे. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो ऑपरेटर्स मौजूद हैं, हमारे पास प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लाई मॉडुलस एंड पावर के ऑपरेटर्स मौजूद हैं. अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक ही एक्सप्रेशन में मोर देन वन ऑपरेटर मौजूद है तो हमें क्या रूल फॉलो करना है. मल्टीपल ऑपरेटर अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है तो हम वही जो मैथ का प्रेसिडेंस रूल है उसी ही फॉलो करेंगे, दैट इज नोन एज फेमडास रूल. फेमडास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको पेरेंथेसिस सॉल्व करनी है, फिर आपको एक्सपोनेंट सॉल्व करना है, फिर अगर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन है तो इन दोनों का सेम लेवल है, फिर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है. अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर दो ऑपरेटर्स मौजूद हैं और दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है तो हम अपनी इवेलुएशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे. फॉर एग्जांपल, हमारे पास 45 और 60 मल्टीप्लाई हो रहा है 67 के साथ और डिवाइड हो रहा है 100 के साथ, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे दो ऑपरेंड्स को आपस में और फिर हम डिवाइड करेंगे. राइट, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप के ऑपरेटर्स मौजूद है. नंबर वन, हमारे पास जो टाइप मौजूद है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. नंबर टू इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. नंबर थ्री इज रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर एंड नंबर फोर इज लॉजिकल ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि नाम से जाहिर है ये क्या करेगा कि आपके वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा. तो हमारे पास इक्वल बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है. हम क्या करते हैं, हमने जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड पे मौजूद है वो हमने वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसको असाइन कर दी है. इसीलिए हम कह रहे हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है, तो हमने 100 नंबर को असाइन कर दिया एंड अली हमने नेम को असाइन कर दिया. इसके बाद हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली क्या है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन एंड मॉडुलस. मल्टीप्लीकेशन हमें रिटर्न करता है दो ऑपरेंड्स का प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, 3 and 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिटर्न में मिलेगा 9. इसी तरह से डिवीजन हमें दो नंबर्स का डिवीजन का रिजल्ट प्रोवाइड करता है. एडिशन हमें दो नंबर्स का एडिशन का रिजल्ट रिटर्न करेगा. सब्ट्रैक्शन हमें दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्ट रिटर्न करेगा. मॉडुलस हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन परफॉर्म बिटवीन द टू ऑपरेंड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स कंफ्यूज इट बिटवीन डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस बेसिकली हमारे पास है रिमाइंडर. ठीक है, लेट सपोज मैंने डिवाइड किया 10 को 3 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट में आएगा 3. लेकिन अगर मैं 10 मॉड्यूलस 3 फाइंड आउट करूं तो मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए 1. हाउ, हमारे पास जो डिवीजन का ऑपरेटर है वो हमें रिटर्न करता है कोशेंट, जबकि मॉडुलस का ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर. लेट सपोज मैंने 3 को 3 से 10 को डिवाइड किया तो
क्वेश्चन जो मेरे पास आएगा 3 और मेरे पास 3 3 9 और रिमाइंडर में मेरे पास आया 1, ठीक है। तो बेसिकली मॉडुलस हमें ये नंबर बताता है और जो डिवाइड का साइन है वो हमें क्वेश्चन बताता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंपेयर होंगे दो नंबर्स या दो ऑपरेंड आपस में कंपेयर होंगे, तो कंपैरिजन का रिजल्ट या तो दो नंबर्स इक्वल होंगे या दो नंबर आपस में एक दूसरे से ग्रेटर होंगे या लेस होंगे या फिर ग्रेटर इक्वल होंगे या लेस इक्वल होंगे या फिर नॉट इक्वल होंगे, राइट। यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो या तो आपके पास जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। तो अगर आपके पास दो नंबर इक्वल होंगे तो आपके पास रिटर्न में ट्रू आएगा, अगर दो नंबर इक्वल नहीं होंगे तो रिटर्न में फॉल्स आएगा, ठीक है। दो नंबर ग्रेटर होंगे तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ऑपरेंड 1 ग्रेटर है ऑपरेंड 2 से तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से लेस है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेस देन का ऑपरेटर हमें रिटर्न करेगा ट्रू अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से लेस है, अदरवाइज हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल का जो ऑपरेटर है वो हमें रिटर्न करेगा अगर हमारा जो ऑपरेंड 1 है वो दूसरे ऑपरेंड से ग्रेटर हो या उसकी इक्वल हो, ठीक है। जैसे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 2 है। तो अगर यहाँ पे होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नहीं इक्वल ना थी लेकिन 3 इज ग्रेटर देन 2। लेस देन इक्वल टू का साइन क्या है कि ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तब आपको ट्रू रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट अ फॉल्स। नॉट इक्वल टू बेसिकली इज अ निगेशन ऑफ इक्वल टू। अगर आपके पास दो नंबर इक्वल नहीं है तो आपका जो रिटर्न है वो ट्रू होगा, अदरवाइज रिटर्न जो है वो फॉल्स होगा। अगर हमारे पास 2 इज नॉट इक्वल टू 3 तो रिटर्न में हमें ट्रू मिलेगा, अगर 2 इक्वल टू 2 होता तो हमारे पास रिटर्न में फॉल्स आता। देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली जैसे हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं उसी तरह से वर्क करते हैं। एंड गेट बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ आपके पास जब इन दो इनपुट्स आपकी 1 होती हैं सिर्फ तभी हमें 1 मिलता है, अदरवाइज आपके पास 1 0 0 1 या 0 0 कुछ भी हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी यही करेगा कि अगर आपके पास जो पहला एक्सप्रेशन है वो भी ट्रू हो और दूसरा एक्सप्रेशन भी ट्रू हो तो आपके पास रिटर्न में 1 यानी कि ट्रू मिलेगा आपको, अदरवाइज अगर ये 1 और ये 1 है तो आपको रिटर्न में ट्रू मिलेगा, राइट। अगर ये 1 है और ये 0 है तो भी आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अगर ये 0 है और ये 1 है तो भी आपको फॉल्स मिलेगा, अगर ये दोनों 0 है तो भी आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास और ऑपरेटर बेसिकली क्या है, और ऑपरेटर जैसे हमारा और गेट है, ठीक। जैसे कि हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास दो इनपुट या तो दोनों 1 हो सकती हैं या 1 0 हो सकती हैं या 0 1 हो सकती हैं या फिर दोनों 0 0 हो सकती हैं, ठीक है। तो 1 1 रिजल्ट 1 आता है, 1 0 1 आता है, रिजल्ट 0 1 हो 1 आता है, सिर्फ 0 0 पे हमारे पास रिजल्ट 0 आता है और ऑपरेटर के अंदर। इसका मतलब है कि इन दोनों में से या ये इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा। तो या 1 0 हो तो भी ट्रू आएगा, ठीक है, 0 1 हो तो भी ट्रू आएगा, और हमारे पास 0 0 होगा तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा, और अगर दोनों 1 हुए तो भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर इज बेसिकली रिवर्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास है 5 इज लेस देन 3, तो इस बेसिकली अगर इस एक्सप्रेशन को मैं एवेलुएट, इस लॉजिक को एवेलुएट करूं तो 5 इज लेस देन 3 दिस इज ट्रू, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है तो हमारे पास ये ट्रू बेसिकली बन जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो बेसिकली निगेशन ऑफ समथिंग, तो ट्रू बन जाएगा हमारे पास फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी हो तो हम कैसे इनपुट लेंगे। From this slide to all the previous slide, जो हम काम कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे कि अगर हम कोई भी एक वेरिएबल ले रहे थे तो उसको हम ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर रहे थे, लेकिन हमारे पास रियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। आप
किसी भी अगर कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाते हैं तो उसमें आप इनपुट देते हैं, ऑलरेडी इनपुट कुछ वेरिएबल्स में यूजर डिफाइंड इनपुट चलती है और कुछ में प्री डिफाइंड इनपुट चलती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें यूजर इनपुट लेनी हो तो हम किस तरह से पाइथन में यूजर इनपुट लेंगे। यूजर इनपुट के लिए पाइथन में हमारे पास इनपुट का एक बिल्ट इन मैथड मौजूद है, ठीक है। तो हम वही फंक्शन बिल्ट इन जो हमारे पास इनपुट का फंक्शन है वो हम यूज करेंगे और हम यूजर से इनपुट लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी आप इनपुट इनपुट का फंक्शन यूज करते हुए लेंगे वो इनपुट आपकी एज अ स्ट्रिंग काउंट होगी। अब हमने हर वक्त स्ट्रिंग इनपुट नहीं लेनी, हमें बाज़ औक़ात इंटीजर टाइप इनपुट चाहिए होती है, बाज़ औक़ात हमें फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इशू आता है कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रिंग इनपुट को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर या फ्लोट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यूजर से अगर इनपुट लेनी है तो हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो हम अपना एक प्रोग्राम रन करते हैं, ओके, पाइथन ओपन करते हैं हम और हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, सेव एज यूजर इनपुट डॉट पीव। अच्छा, अब जब मैंने यूजर इनपुट नाम भी दिया अपने प्रोग्राम को तो मैंने स्पेस नहीं दी, ठीक है, मैंने यूजर अंडरस्कोर इनपुट दी है, ठीक है। तो यू हैव टू फॉलो दिस कन्वेंशन while naming your program also, जैसे कि हमने use किया था while naming our variables, ठीक है। अच्छा, user underscore input हमारी variable program का name हो गया। अब हम user से input लेते हैं, let's say name equal to input enter name, ठीक है। ये just आपको बताने के लिए कि हम किस तरह से यूजर से इनपुट लेंगे। अब मैं जब इसको रन करूंगी, आफ्टर सेविंग दैट मेरे पास कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि मैं नाम एंटर करूं, ठीक है। तो अब मैंने जैसी नेम एंटर किया मेरे पास इनपुट आ गई। अब मैं इसको प्रिंट भी करवा सकती हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट नेम, ठीक। तो अब मैं जैसी इनपुट दूंगी तो वही इनपुट मेरी आउटपुट पे भी जनरेट होके आ गई है, ठीक है। तो इस इनपुट का फायदा ये है कि आप जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे आपसे यूजर एक नई वैल्यू एक्वायर करेगा, जो भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे वो आप की प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। लेट सपोज अब हम कहते हैं कि हम दो नंबर एंटर करते हैं, लेट सपोज हम कहते हैं नंबर वन इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर वन और इसी तरह से हम कॉपी करके नंबर टू को भी इनपुट करवाते हैं, हम कहते हैं एंटर नंबर टू, एंटर नंबर टू, ठीक है। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं सम का और हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट एंटर नंबर वन हमने लेट सपोज 12 एंटर किया, एंटर नंबर टू हमने 33 एंटर किया। अब जब हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास सम जो रिजल्ट जनरेट होना चाहिए था दैट शुड बी 12 प्लस 33 विच इज 45, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हुई है वो है 12 33। इसका मतलब क्या है कि इसने 12 के आगे 33 को जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो जो नंबर्स हैं, जो दो स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में कंकैट हुई है। कंकैट का मतलब है जहां पहली स्ट्रिंग खत्म हुई है उसके आगे हमने दूसरी स्ट्रिंग जोड़ दी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली करना यह है कि हमने इन दो स्ट्रिंग्स को पहले कन्वर्ट करना है इंटीजर या फ्लोटिंग टाइप नंबर्स के अंदर, फिर उसके बाद हमें इन्हें सम करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हम कहते हैं जो नंबर मैंने एंटर किया है नम वन, उसको कन्वर्ट करो पहले इंट के अंदर, ठीक है। नंबर वन इंट के अंदर हमने कन्वर्ट किया
और फिर हम लिखते हैं num2 इज इक्वल टू इंट नंबर 2, और उसके बाद हम कहते हैं जो कन्वर्टेड num1 एंड num2 हैं इनको आपस में सम करो, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कन्वर्ट कैसे किया, स्ट्रिंग दे के और हमने कहा कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और वापस किस में स्टोर कर दो, नम के अंदर स्टोर कर दो। तो अब क्या होगा जब हम रन करेंगे अपनी एंटर नंबर 1, तो अब मैं एंटर करती हूँ 12 और फिर मैं एंटर करती हूँ 33, तो अब मेरे पास आउटपुट में क्या जनरेट हुआ, दोनों नंबर्स का सम जनरेट हुआ, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट आर स्ट्रिंग इनटू इंटीजर फंक्शन, और अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो इंट की जगह मैं फ्लोट लिखूंगी। तो अब सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल है फ्लोट एंड इंट के, अगर आपने अपने डेटा को कन्वर्ट करना है तो ये क्या करेंगे कि एज अ स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे आपके स्पेसिफाइड फ्लोट या इंट के अंदर। लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है कि आपने मंथली सैलरी इनपुट करवाई यूजर से, तो यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो एज अ स्ट्रिंग इवेलुएट होगी। तो हमने क्या किया, हमने उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया और एक मंथली सैलरी फ्लोट के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, उसके बाद मंथली सैलरी फ्लोट को मल्टीप्लाई किया एक इंटीजर नंबर 12 के साथ और ईयरली सैलरी के अंदर स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू आएगी, तो हमने फ्लोटिंग टाइप या इंटीजर टाइप वैल्यू आएगी डिपेंडिंग ऑन आर इनपुट, और उसके बाद जब आप ये प्रिंट करवाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे मंथली सैलरी या ईयरली सैलरी प्रिंट होके आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, राइट। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट किया अपने, मैंने जो आपको एग्जाम्पल कराई है वो इंट में कन्वर्जन की थी, यहाँ पे हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हम इन दोनों को नेस्ट भी कर सकते हैं, हम इनपुट लेते साथ ही उसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो हमने क्या किया कि हमने यूजर को कहा इनपुट अ गिवन नंबर, ठीक है। तो यूजर ने एक नंबर इनपुट किया और हमने उसी साथ से फ्लोट में कन्वर्ट करके वापस एक नंबर के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। हमने क्या किया, इनपुट ली तो वो एक स्ट्रिंग इनपुट थी, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया फ्लोट के अंदर और फ्लोट को वापस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो आप जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी, यहाँ पे हमने ये अलग अलग लाइंस लिखी हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इंट और यहाँ पे भी हम लिखते हैं इंट, ठीक, और उसके बाद हम नंबर 1 एंड नंबर 2 को ही सम करें, रन करते हैं। अब क्या होगा, पाइथन शेल में हम 12 एंड 33 एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट 45 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन डू इन वन लाइन आल्सो और यू कैन डू इन सेपरेट लाइन, मेथड आप पे, आपको जो भी इजी लगता है आप उसको उससे फॉलो कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं इवेलुएट फंक्शन के अंदर। इवेलुएट फंक्शन बेसिकली हमारा पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है और ये स्ट्रिंग को एज अ पाइथन एक्सप्रेशन इवेलुएट करके आपको एज अ इंटीजर या फ्लोट रिजल्ट जनरेट करके देता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखते हैं। अब हमारे पास इनपुट का फंक्शन और इवेलुएट का फंक्शन हमने दोनों देखने हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनपुट का फंक्शन बेसिकली यूजर से इनपुट लेता है और उसको एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है और फिर हम इंटीजर या फ्लोट के फंक्शन को यूज करके उसे इंटीजर के अंदर या फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इवेलुएट का फंक्शन बेसिकली हमें जो स्ट्रिंग है उसे रिटर्न करता है एज एन इंटीजर। एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और हमने यूजर से कहा इनपुट एंटर एन एक्सप्रेशन ऑफ योर चॉइस और हमने यूजर से प्रिंट करवाया एक्सप्रेशन और उसको जब हमने टाइप उसकी देखी तो हमारे पास उस टाइप के अंदर जो रिजल्ट आया वो है स्ट्रिंग, ठीक है। जो अभी हमने एग्जांपल देखी है कि हमने जो इनपुट करवाया है वो 10 करवाया है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने एक्सप्रेशन करवाया 10+10, ठीक। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आया 10+10 ही जनरेट होके आया क्योंकि जो हमने स्ट्रिंग इनपुट किया है वही एज अ रिजल्ट आउटपुट प्रिंट होके हमारी स्क्रीन पे आ गई। लेकिन अगर मैं एक एक्सप्रेशन को करूँ इवैल और उसके साथ मैं इनपुट करूं एंटर योर एक्सप्रेशन, तो जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे एंटर होगा जब उसे प्रिंट किया जाएगा तो वो बेसिकली उसका रिजल्ट प्रिंट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और इसका जो अगर मैं टाइप प्रिंट करूं तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी टाइप क्या आएगी, इंटीजर आएगी, ठीक है, क्योंकि इसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इस इंटीजर के अंदर, ठीक है।
तो ये हमारे पास है eval, eval का फंक्शन. अगर हम इनपुट लेना चाहें यूजर से कोई स्ट्रिंग की बजाय हम इंटीजर इनपुट लेना चाहें या फ्लोट इनपुट लेना चाहें तो हम उसके लिए eval का फंक्शन यूज करेंगे. तो अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर किया कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर अवेलेबल है हमारे पास, इनपुट यूजर डिफाइन हमने कैसे लेनी है, और साथ ही हमने देखा कि eval का फंक्शन क्या है और किस तरह से ये डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम नॉर्मल यूजर इनपुट. So that's all for today's lecture.